जो पहचाना जाए वही सही है, जिसे इंसान अपनी समझ बूझ से स्वीकारता है। मत करो विश्वास, मत करो विश्वास केवल इसलिए क्योंकि वो तुमको बताया है, या कि वो परंपरा से पास आया है, या कि उसको स्वयं तुमने सोचकर अपना लिया है। मत करो विश्वास उसका जो कहा गुरु ने तुम्हारे, क्योंकि श्रद्धा है तुम्हारे हृदय में गुरु के लिए। तुम परीक्षण करो, स्वयं ही उचित विश्लेषण करो, और जब पाओ कि कोई एक विचार सबके लाभ का है, बहुजन की भलाई का, कल्याण का, सब प्राणियों के, तुम करो विश्वास उसका और जुड़कर रहो उससे। वही केवल एक होगा पथ प्रदर्शक, क्योंकि वो विश्वास होगा स्वनिर्मित, इसलिए होगा सुनिश्चित। भगवान बुद्ध के अनुयायी सम्राट अशोक महान की चेतना को हिंसा, अहिंसा, सद्भाव और सत्ता के सही और गलत उपयोग के सवालों ने उलझाया। जय हो महाराज। जय विजय अपशब्द जैसे लगते हैं। अच्छा किया तुम चले आए, मन की शांति तो मिली। इतने बड़े युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद भी इतने अशांत, क्या बात है भाई? तुम ही बताओ तिस्सा, क्या मेरे बच्चे की मृत्यु दैवी प्रकोप के कारण हुई कि मुझे मेरे पापों का दंड मिल जाए? कैसे पाप? लाखों सैनिकों के रक्त से हाथ सने हैं मेरे, क्या मृत आत्माएं मुझे दंड देना चाहती हैं? देख रहा हूं कि पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं आप। अच्छा है अभी तक आत्मा मरी नहीं। भाई अशोक, आप अपने बच्चे की मृत्यु के उत्तरदायी नहीं, किंतु उन लाखों सैनिकों की मृत्यु के उत्तरदायी अवश्य हैं। मैं क्या करता, साम्राज्य की रक्षा के लिए करना पड़ा। साम्राज्य? गौतम बुद्ध का कहना है कि जिस राजा ने धरती का एक टुकड़ा जीत लिया है वो दूसरा भी जीतना चाहेगा। सारी धरती जीतने के बाद वो आकाश पर राज करना चाहेगा। इसी प्रकार मन की इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी, अधूरी इच्छाएं ले ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और साथ में कुछ नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। अशोक, मुट्ठी बांधे आना है, हाथ पसारे जाना है। मैं क्या करूं मेरे भाई? गौतम बुद्ध के शरण में आ जाइए, इसी में आपकी मुक्ति है। एक योद्धा के जीवन कर्म और भगवान बुद्ध की शिक्षाओं में विरोधाभास है तिस्सा। सम्राट के रूप में मेरे कुछ कर्तव्य हैं। भगवान बुद्ध की शिक्षा, सबको समान समझो, सबसे प्रेम करो, क्या यह शिक्षा मुझे अपराधियों को दंड देने की अनुमति देगी? क्यों नहीं, दंडनीय को दंड और प्रशंसनीय को प्रशंसा मिलनी ही चाहिए। अपराधी को दंड राजा की भावना के कारण नहीं, उसके दुष्कर्मों के कारण मिलता है। और युद्ध में हुआ रक्तपात अकारण है तो निंदनीय है, किंतु शांति स्थापित करने के सभी प्रयत्नों के बाद यदि कोई राजा युद्ध में उतरता है तो उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। इस स्थिति में वो शत्रुओं के हाथ मारा भी जा सकता है। यदि वो विजयी होता है तो उसे सांसारिक वस्तुओं की क्षणभंगुरता को नहीं भूलना चाहिए। उसे समझना चाहिए कि कुछ भी स्थायी नहीं है,
उसकी विजय भी नहीं। एक ही उपाय है, स्वयं को शांत रखकर अपने मन से घृणा निकाल दें, विरोधी को अपने बराबर का स्थान देकर कहें, आओ आओ हम शांति से रहेंगे, भाई बनकर रहेंगे। अशोक, कलिंग के युद्ध में आपको महान सफलता प्राप्त हुई है, किंतु जब आप स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो यह सफलता महानतम होगी। तुमने सत्य के सत्व को पा लिया है तिस्सा, तुम मेरे साथ वापस राजप्रसाद चलो, मेरे गुरु बनकर। नहीं, यह संभव नहीं है मेरे लिए, ना मैं इस योग्य ही हूं। चौमासा बीत चुका है, अब भ्रमण करना होगा। भ्रमण के लिए बाद में चले जाना, अभी मेरे साथ राजप्रसाद चलो। गौतम बुद्ध ने हमारे लिए कुछ नियम बनाए हैं, उनका पालन करना ही होगा। ठीक है, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। एक भिक्षु का जीवन जी सको तो चलो, पेट की आग बुझाने के लिए भिक्षा मांग सको तो चलो, धरती को बिछोना मानकर आकाश ओढ़ सको तो चलो, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर। बस तिस्सा, मैं चलूंगा,